तो दोस्तों, जैसे कि देख ही सकते होंगे, अभी एकदम एक क्लियर सा इमेज सामने आ चुका है KTM Duke 390 के ही एक न्यू जनरेशन वाले मॉडल का। और ये जो क्लियर सा इमेज है ना, तो इसके अंदर अभी देखा जा चुका है कि ये जो KTM Duke 390 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल का हेडलाइट जो है, और इसके अलावा इस वाले मॉडल का जो ये पीछे का सीट है, और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल का जो पूरा का पूरा जो मतलब डिजाइन है ना, तो वो पूरा का पूरा जो है, तो वो अभी क्लियर सा कुछ सामने आ चुका है, जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहली बात तो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, और आशा बस यही करूंगा कि ये 2023 आप सभी के लिए और मेरे लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया रहे, और ये जो 2023 है ना, तो इसके अंदर कोई भी झमेला वगैरह नहीं आए, तो ये सब अलग है। लेकिन भाई देखो, ये जो KTM Duke 390 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, जिसको आज से बहुत दिनों पहले एक बार दिखा गया था रस्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान, तो उस वाले मॉडल का ही अभी एक जो क्लियर सा इमेज है ना, तो वो सामने आ चुके हैं। वैसे भी ये जो इमेज है, तो ये भी एक स्पाई शॉट ही है, लेकिन भाई देखो, ये जो इमेज है तो ये अभी सामने आए हैं, जिसके अंदर अभी देखा जा चुका है कि ये जो KTM Duke 390 न्यू जनरेशन वाले मॉडल का जो हेडलाइट वाला पोर्शन है, तो ये देखने में किस तरीके का होगा। तो देखो भाई, अभी का ये वाला इमेज देखने के बाद तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो KTM Duke 390 का ही ये जो न्यू जनरेशन वाले मॉडल के अंदर जो ये हेडलाइट वाला पोर्शन दिया जो गया है ना, तो ये एकदम ही एक न्यू वाला है। और उसके ही साथ साथ देख ही सकते होंगे, ये जो हेडलाइट का जो ये पोर्शन है ना, तो ये देखने में काफी ज्यादा स्वीट स्वीट सा लग रहा है। मतलब कि पहले की तरह वो जो शार्पनेस है ना, तो वो कहीं गायब सा ही हो गया है। लेकिन हाँ, ये वाला जो मॉडल का जो ये जो लुक है सामने का, मतलब ये हेडलाइट वाला जो पोर्शन है, तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया तो लग ही रहा है अपने आप में ही। और उसके अलावा देख ही सकते होंगे, इस वाले बाइक का भी जो ये चेसिस है ना, तो ये भी न्यू दिया गया है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते होंगे। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का भी जो ये पीछे का जो पोर्शन है ना, मतलब जो पिलियन सीट के नीचे या फिर पिलियन सीट का ही उधर जो पोर्शन है, तो वो भी देख ही सकते होंगे एकदम ये एक न्यू दिया गया है, जिसके अंदर आपको न्यू एक स्टाइल का ग्रैब रेल देखने को मिल रहा है दोनों ही तरफ सीट के। और जैसे कि देख ही सकते होंगे, ये जो ग्रैब रेल है ना, तो ये एकदम ये एक न्यू है, और ये पूरे ही तरीके से अलग सा लग रहा है दिखने में। मतलब KTM के ही अगर मैं पूरा का पूरा मैं बात करूं, मतलब पूरे सीरीज का KTM के, मतलब ड्यूक लाइनअप का, तो उन सभी मुकाबले ना भाई अभी इस वाले मॉडल के अंदर ही बस देखने को मिल रहा है कि ये टूरिंग वाले सेटअप का जो ग्रैब रेल है, तो उसका ही कुछ है, मतलब उस जैसा ही कुछ एक ग्रैब रेल जो है, तो वो दिया गया है इस वाले बाइक के ही पिलियन सीट के साइड में। और उसके ही साथ भाई अभी इस वाले बाइक के भी अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो वो भी है पहले के तरह ही। इस वाले बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। लेकिन हाँ भाई, इस वाले बाइक के अंदर आप लोग डुअल चैनल ABS को भी हटा सकते हो, मतलब कि एक जो ABS है ना, तो वो इस वाले बाइक का फ्रंट में चलेगा, लेकिन रेयर का जो है ना, तो वो बंद हो सकता है, मतलब सुपर मोटो वाला जो सीन है, तो वो हो सकता है। और इसके अलावा देखो, इस वाले बाइक के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप ना, तो वो भी पूरे तरीके से LED के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो भाई, इस वाले बाइक में आपको देखने को मिलेगा जो ये मीटर कंसोल ना, तो ये भी अभी के डेट में एक न्यू ही दिए जाने वाले हैं, मतलब दिए गए हैं। तो ये जो न्यू मीटर कंसोल है ना, तो इसके भी अंदर आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज वगैरह, और ये जो इंजन टेम्परेचर वगैरह जो भी है, तो ये भी दिए गए हैं KTM कंपनी की तरफ से। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई KTM कंपनी की तरफ से राइडिंग मोड्स तक का भी जो ऑप्शन है, तो वो भी दिए जाए। बाकी तो भाई हाँ, ये वाला जो मीटर कंसोल है, तो ये भी काफी ज्यादा कमाल का तो मीटर कंसोल है ही अपने आप में। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलेगा जो इंजन ना, तो ये एक लिक्विड कूल वाला इंजन है, DOHC 4th वाल्व वाला, और वो भी 390cc का, जो कि एक सिंगल सिलेंडर वाला है। और बाकी तो भाई, ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 42 BHP वाला इंजन, जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 37 Nm। और इसके ही साथ साथ 6 फीट का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा विद असिस्टेंट सिल्वर क्लच वाले सिस्टम के साथ। और ये वाला जो मॉडल है ना, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी 2023 साल में लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और वैसे ये वाला जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है इस वाले बाइक का सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।